हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 4.1 के कुछ उदाहरण। इन उदाहरणों में से हम पहला पढ़ेंगे तीसरा उदाहरण। ये तीसरा उदाहरण है सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए। 1/1 ये पॉइंट नहीं है, इसका अर्थ है कि 1 × 2। अतः हम पढ़ने ये समीकरण दिए। तो आयो हम चलते हैं उत्तर के अंदर। हमारा आंसर होगा, पहले हम मानेंगे कि n के जगह हम मानेंगे p, तो p मानेंगे तो ये तो समीकरण यहाँ तक तो यही रहेगी। उसके बाद 1/1 यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, n की जगह m कोष्ठक चालू, m प्लस 1 कोष्ठक बंद, m/m+1। अर्थात तो यह हो जाएगा हमारा m m+1 बराबर m/m+1। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक समीकरण का मान हमें सीधा ही पता है कि 1 होगा। और इसी प्रकार समीकरण हम p और m+1 ज्ञात करेंगे। m सेम ही करना है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 1/m m+1, फिर m+1 कोष्ठक में ले दिया, m+1 और +1 m+2 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद m+1 और m+1 और 1 2 हो जाएगा। ये समीकरण 3। समीकरण 3 के LHS में हम मान रखेंगे, तो हमारा इस प्रकार लिखेंगे हम कि 1/m+1 का मान हमें पता है m/m+1, यानी कि यहाँ तक की समीकरण का मान। उसके बाद में +1/m+1 m+2, इसको हम जोड़ देंगे, m+1 इसका लघुतम आ जाएगा, +2 LCM। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे m से m+1 m+2 कैंसिल हो गया, m m+2 + m+1 m+2 दोनों से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। फिर m+1 को m+2 m+1 upon m+1 m+2, फिर हम इसका हम गुणन विधि से हम इनका गुणनखंड करेंगे, तो m² + m+m+1 upon m+1 m+2। इसी प्रकार m+1 यानी कि m कॉमन आ जाएगा m+1, और यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे 1, m+1 अपॉन में आ जाएगा m+1 m+1 m+2। उसके बाद m+1 ये और ये हम कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, m+1 upon m+1 m+2। इस m+1 से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, m+1 m+2। ये हमारी समीकरण आ जाएगी 3 का RHS।